Oh my god! Oh my god! Oh my god! वाइल्ड लाइफ को करीब से देखना हमेशा से ही एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है। यही सोचकर हर साल हजारों लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं और खूंखार जानवरों को देखकर ये खतरनाक एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब इन इंसानों के सामने जंगल के सबसे खूंखार और खतरनाक जानवर अचानक से आ जाएं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के एडवेंचरस वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिनमें इंसानों का हो जाता है ऐसे खतरनाक जानवरों से एनकाउंटर। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अफ्रीका के साबी साबी रिजर्व की ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दरअसल जंगल सफारी के दौरान एक गाड़ी कच्चे रास्ते पर रुकी हुई थी, तभी इस गाड़ी के पीछे से एक खूंखार शेर निकलकर आगे आ जाता है। लेकिन गाड़ी की बोनट पर बैठे इस शख्स की नजरें दूसरी तरफ होती हैं। जैसे ये शख्स अपना मुंह घुमाता है, एक आदमखोर शेर को अपने सामने पाता है, इतना करीब कि किसी की भी पैंट गीली हो जाए। लेकिन बोनट पर बैठा ये समझदार आदमी जरा भी मूवमेंट नहीं करता और शेर आगे बढ़ जाता है। अक्टूबर 2020 में यूटा के पास स्लेट कैनियन में काइल बर्गेज नामक एक व्यक्ति घूमने निकला तो पगडंडी पर एक पहाड़ी शेर इसका पीछा करने लगता है। निहत्ते काइल को देख इस शेर ने उसे डराने की भरसक कोशिशें की। कई बार दहाड़ते हुए कुगर उस पर झपटने की कोशिश भी करता रहा। Go away! Go away! Please go away! Holy shit! Holy shit! काइल ने समझदारी दिखाई और आखिर में कुगर उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपने रास्ते निकल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए लाइक। ये वीडियो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक हाईवे का है जहां पर यह साइकिल सवार किसी अनहोनी से बेखबर अपनी मस्ती में धीरे धीरे जा रहा है। तभी एक खतरनाक तेंदुआ हाईवे क्रॉस करने की कोशिश में इस साइकिल सवार से टकरा जाता है। टकराने के बाद ये तेंदुआ बिजली सी रफ्तार से वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं साइकिल सवार इतना डर जाता है कि एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता और जैसे ही वो कुछ भांपता है उसके अगले ही पल अपनी साइकिल उठाकर सरपट भाग खड़ा होता है। इस दौरान ये साइकिल सवार अपनी पीठ को सहलाते हुए दिखाई देता है। ये तो शुक्र है कि वो तेंदुआ काजीरंगा पार्क का था, नामीबिया से लाया गया होता तो बात का पतंगड़ बन जाता। जरा सोचिए क्या हो जब दरवाजा खोलते ही आपको अपने घर के बाहर हट्टे कट्टे शेरों का झुंड इंतजार करता दिखाई दे। यकीनन देखने वालों के होश फाख्ता हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जब अपने फार्म हाउस में डेविड डी बियर और मरिस्का सोकर उठे तो वो दंग रह गए। अपने झुंड के सामने जिंदा इंसानों को पाकर कुछ देर ये शेर भी उन्हें देखते रहे, लेकिन जैसे इस कपल ने एक तेज आवाज की तो शेरों का ये झुंड वहां से उठ गया। लेकिन अभी भी उनकी खौफनाक आंखें शीशे के इस पार उस कपल को घूर रही थी। वैसे दोस्तों, अगर आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हमें कॉमेंट करके बताइए ना। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका किसी वाइल्ड एनिमल से एनकाउंटर हो जाए तो आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, और अगर किसी गाड़ी से जा रहे हो तो हॉर्न बिल्कुल ना बजाएं, पहले उनको जाने दें फिर आप निकलें। फिर भी कोई शेर जैसा खूंखार जानवर आप पर हमला करने को उतारू हो जाए तो भागने की गलती तो कभी ना करें, उसकी आंखों से आंखें मिलाते रहें। इन तमाम कोशिशों के बाद भी अगर शेर आपकी तरफ बढ़ने लगे तो जोर से चिल्लाकर और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उसे डराने की कोशिश करें, उसे यह एहसास कराएं कि आप उससे बड़े और ज्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों, ऐसे कई मौके आए हैं जहां ये टिप्स अपनाकर लोगों ने अपनी जान बचाई है।
वैसे इन शेरों ने तो जिंदगी बचाने का मौका दे दिया, लेकिन दरवाजे की ओट में बैठा ये जहरीला सांप ऐसा मौका शायद ही कभी किसी को दे। फॉरेस्ट सफारी पर निकला हर सैलानी चाहता है कि उसे वाइल्ड लाइफ का नजारा दिख जाए, लेकिन क्या हो जब कोई खूंखार शेर इंसानी वॉशरूम से निकले। सुनने में खौफनाक लगने वाला ये वाकया हम आपको हकीकत में दिखाने जा रहे हैं। देखिए जंगल का ये राजा कितने रुआब से इस वॉशरूम से निकल रहा है। वैसे ये बात तो पक्की है, जिसने भी ये मंजर देखा होगा वो जिंदगी भर आउटडोर में बने वॉशरूम में घुसने से पहले उसे चेक करना तो कभी नहीं भूलेगा। इस वीडियो में एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ एक शख्स पर हमला बोल देता है। इस शख्स की बहादुरी तो देखिए, वो पीछे हटने की बजाय तेंदुआ का सामना करते हुए उसे जोर का धक्का दे मारता है। इसी बीच उसके साथी उसके पास एक डंडे को फेंक देते हैं, लेकिन इससे पहले ही ये तेंदुआ इस आदमी की हिम्मत देखकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। भारत में इन दिनों चीतों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है, जिसे करीब से देखना अपने आप में ही रोमांचक एक्सपीरियंस होता है। अब जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। तंजानिया के सेरेंगेटी में एक चीता पहले तो पर्यटकों से भरी इस गाड़ी की स्टेपनी पर चढ़ जाता है, फिर अंगड़ाई लेता है और उसके बाद गाड़ी की छत के ऊपर ऐसे जाकर बैठ जाता है जैसे ये गाड़ी उसके आराम के लिए मंगवाई गई हो। इस चीते के ऐसे मिजाज को देखकर जिप्सी में बैठे सैलानी रोमांचित उठते हैं और बिना डरे इस चीते की फोटोग्राफी करने लगते हैं। ये वीडियो नासिक के जुनेर इलाके का है, जहां जंगल के पास बनी सड़क पर जा रहे एक बुजुर्ग पर एक लकड़बग्घे का हमला हो जाता है। ये वीडियो आपको डरा सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि एक फरिश्ता वहां पहुंचता है जो सड़क पर लाठी पीट कर लकड़बग्घे को डरा कर भगाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह इस बुजुर्ग की जान बच जाती है। मई 2022 में हरियाणा पुलिस और वन विभाग ने शहर में घुसे हुए एक तेंदुए का उस वक्त रेस्क्यू किया जब अपने रौद्र रूप में था। इस दौरान ये अकेला तेंदुआ दर्जन भर पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। गनीमत ये रही कि समय रहते तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये तो हुए वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिन्हें बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन तब इनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है जब इनके इलाके में इंसान घुसपैठ करने लगते हैं। ये गजराज तब अपना आपा खो बैठा जब जंगली इलाके में उन्हें ये कार नजर आ गई। इस गुस्साए हाथी ने पहले तो कार के टायर पर चढ़ाई कर दी, उसके बाद भी जब उससे कुछ होता न बना तो उसकी बोनट पर बैठने लगा। फिर भी मन ना भरा तो वो कार के ऊपर चढ़ने लगा। कल्पना कीजिए कार के अंदर बैठे लोगों पर क्या बीत रही होगी। देखते देखते लाखों की कार का बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही कार में बैठे लोगों को थोड़ा सा मौका मिलता है, वो कार को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में गजराज के गुस्से का एक और वीडियो मिला है, जिसमें कुछ रिसर्चर्स दो सफारी गाड़ियों में एक एलिफेंट ग्रुप को अपने कैमरे में कैप्चर करने पहुंचते हैं, लेकिन इन हाथियों को उनकी ये करतूत पसंद नहीं आती। बीच रास्ते खड़ी एक हथिनी चिंघाड़ कर उन्हें करीब न आने की चेतावनी भी देती है, और इसके अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय हाथी आक्रामक अंदाज में दौड़ता हुआ आकर अपनी पूरी ताकत से सफारी गाड़ी को पीछे धकेलने लगता है। ये पूरा वाकया उसी जीप में बैठे एक शख्स के फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। गनीमत रही कि उनकी जीप पलटी नहीं और उसमें बैठे लोगों ने इस गाड़ी को वहीं छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे आपको बता दें, जंगली जानवरों को ऐसे गुस्से की वजह भी हम इंसान ही है जिन्होंने इन जंगली जानवरों का जीना हराम कर रखा है। ये एक और वीडियो इसी बात की तस्दीक देता है। आप देख सकते हैं हाथियों का झुंड कितनी शांति से नई जगह की तलाश में निकल रहा है, लेकिन इन शरारती लड़कों ने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो इंसान इन जानवरों को परेशान करता है, फिर उनके गुस्से का शिकार होता है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह किसी भी वाइल्ड लाइफ को कभी परेशान ना करें, और जो कर रहे हो उन्हें ऐसा करने से रोक दें, क्योंकि हम इंसानों ने इन जंगली जानवरों के ठिकानों में पांव पसारना शुरू कर दिया है।
ऐसे में बेचारे जंगली जानवरों के यूं परेशान होकर भागने के नजारे आम से हो गए हैं। कई बार ये जंगली जानवर गलती से जंगलों से निकलकर इंसानी इलाकों में पहुंच जाते हैं। असम के गुवाहाटी में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक जंगली हाथी यहां के स्कूल के गलियारों में घूमते हुए पाया गया। इस हाथी को निकालने की कई कोशिशें की गई, लेकिन स्कूल का दरवाजा छोटा होने के चलते इसे निकलने में काफी दिक्कतें आई। आखिरकार वन विभाग की टीम आई और घंटों की मशक्कत के बाद इसे निकालकर पास के अमचुंग वन्य जीव अभयारण्य में ले जाने में कामयाब हो गई। इंसानों का जब जंगली जानवरों से सामना होता है तो आमतौर पर डर के मारे उनकी कंपकंपी छूट जाती है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ गाइड का ये वीडियो आपको हैरान कर सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं गुस्से से तिल मिलाया एक हाथी हमला करने के मकसद से इस गाइड की तरफ लपकता है, लेकिन ये गाइड अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ये देखकर हाथी और नाराज हो जाता है और दोबारा डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये गाइड उस हाथी को एक डंडा दिखाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद हाथी को भी उल्टे पांव जंगल में जाना पड़ता है। भले जंगल का राजा शेर को कहा जाता हो, लेकिन ये गजराज का अपना ही रुतबा है। तभी तो अपने इलाके से होकर गुजरने वाले गन्ने के ट्रक को ये रोक लेते हैं और तब तक आगे जाने नहीं देते जब तक कि ट्रक वाले भाई इनको खाने के लिए गन्ना ना दे दें। वैसे तो विशालकाय रेनो शांत जानवर होते हैं, लेकिन इंसानों को देखकर उन्हें इतनी असुरक्षा महसूस होती है कि वो कई बार तो उन्हें भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ताकतवर तो इतने कि एक बार में पेड़ को भी निस्तनाबूद कर दें। इतना ही नहीं, ये अपने पर आ जाएं तो टूरिस्ट की गाड़ियों पर हमला करने को उतारू हो जाएं। ये तब तक पीछा करते हैं जब तक थक ना जाएं। इन सैलानियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ देर पीछा करने के बाद जब ये रेनो जंगल की तरफ मुड़ गया, तब इन लोगों ने चैन की सांस ली। वैसे तो जिराफ भी बहुत शांत जानवर माने जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर इंसान को देखकर इनका भी माथा सटकेला हो जाता है। जिराफ पल भर में भागते भागते गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी में बैठे लोगों को वार्निंग देने लगते हैं कि सुन लो इंसानों, दोबारा कभी हमारे एरिया में घुसने के बारे में सोचा तो बुरा होगा बहुत। अब जरा जंगल के रास्ते से गुजर रहे साइक्लिस्ट को देखिए। अपने धुन में जंगली रास्तों से गुजर रहा था कि एक खूंखार जंगली भालू से उसका पाला पड़ गया। बेचारे साइक्लिस्ट को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। भालू का सामना करते हुए उसने अपनी साइकिल उठाकर उसे डराने की भी कोशिश की। आखिरकार अपनी समझदारी के चलते वो जीत गया और भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमोत्तरी सीमा पर स्थित एक राज्य अलास्का, जहां के पहाड़ी इलाकों में भारी भरकम शरीर वाले ग्रिजली भालू पाए जाते हैं। ये 10 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और उनके नुकीले पंजे एक ही वार में पेड़ों के तनों को बीच से फाड़ सकते हैं। ऐसे भालुओं से जब इंसानों का आमना सामना होता है तो कुछ ऐसा मंजर होता है। सांड का गुस्सा तो तौबा तौबा। दो सांड लड़ते हुए एक दुकान में चले जाते हैं। अपनी दुकान में कस्टमर्स की जगह सांड को देखकर दुकानदार की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। एक बार की तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं, लेकिन अगले ही पल वो बोतल उठाकर सांड पर पानी गिराने लगता है, जिसके बाद सांड दुकान से बाहर चला जाता है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, उसे देखकर किसी की भी धड़कनें तेज हो जाएंगी। बारिश के बाद ये मोटा तगड़ा अजगर इस घर में लगभग सेंध लगा ही चुका था कि लोगों की नजरें इस पर पड़ गई। शुक्र रहा कि कुछ हताहत नहीं हुआ। वैसे इस अजगर को कोई सचमुच में देख ले तो क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चाइना के एक रेस्टोरेंट में तब चीख पुकार मच गई जब वहां पर एक बड़ी सी छिपकली घुस गई, जिसे देखकर वहां की वर्कर कुर्सी पर चढ़ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे बच्चों की तरह रोता हुआ देख एक तरफ उसकी सहेलियां हंस पड़ती है, वहीं उसका एक हिम्मती साथी उस छिपकली को पकड़ने की कोशिशों में जुट जाता है। काफी देर की मशक्कत के बाद वो इस छिपकली को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इसे सेफ जगह छोड़ देता है। तब कहीं जाकर इस मोहतरमा की जान में जान आती है और वो भी अपनी हरकतों पर हंस पड़ती है। ऐसी एक और घटना थाईलैंड में भी घटित होती है, जहां एक विशालकाय लिजर्ड एक सुपरमार्केट में घुसकर वहां अफरा तफरी मचाने लगता है। पहले तो वो फ्रिज को खोलने की कोशिश करता है और बाद में वहां रखे सामान को गिराते हुए अलमीरा के ऊपर बनी रैक पर जाकर बैठ जाता है।
मगरमच्छ जैसे दिखने वाले इस लिजर्ड को देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों की तो सांसें हलक में ही अटक जाती है। कहते हैं जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी हमलावर हो सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे, इस छोटी सी लड़की ने कभी नहीं सोचा होगा कि मछली उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाएगी। गनीमत रही उसे फौरन वहां से निकाल लिया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जानवरों से हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अभी भी लापरवाही का नतीजा नहीं समझ में आया तो ये वीडियो देख लो। इस चिंपांजी के पास जाकर उसे अपने पास बुलाने का खामियाजा इस लड़के को कुछ ऐसे भुगतना पड़ा। इस चिंपांजी ने बंदे की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और छुड़ाने की कोशिश करने पर उसकी टांग को ऐसे पकड़ा कि बंदा लाख कोशिश करने के बाद भी छुड़ा नहीं पाया। अब ये लड़का जिंदगी में कभी भी किसी जंगली जानवर के पास जाएगा तो 100 बार सोचेगा। आपने छाती पर सांप लौटना वाली कहावत तो सुनी होगी, तब क्या होता है जब असल में छाती पर सांप लौटने लगे? ये समझना हो तो उस औरत की आहें सुन लीजिए। चारपाई पर सो रही इस लेडी पर सांप ऐसे बैठा हुआ था कि मुंह से ओए रे आए रे सुनो रे बचाओ रे की फरियाद निकलने लगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।